वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महेश की क्लासेज में। और आज इस वीडियो में हम लोग आर्म्स और नंबर प्रिंट करेंगे गिवन रेंज के द्वारा। यूजर से हम लोग एक लोअर और अपर रेंज एक्सेप्ट करेंगे और उस रेंज में जितने भी आर्म्स और नंबर आएंगे उनको हम प्रिंट करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो उसमें हम लोगों ने आर्म्स और नंबर चेक किया था कि कोई नंबर अगर यूजर इनपुट कर रहा है तो आर्म्स है कि नहीं। आज हम लोग एक रेंज में आर्म्स और नंबर प्रिंट करेंगे और ऑर्डर 3 और ऑर्डर 4 के लिए हम लोग प्रिंट करेंगे। उसके आगे के ऑर्डर के लिए आप अपने आप लॉजिक लिख लेंगे और ऑर्डर 2 में कोई आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता नहीं, इसलिए हम लोग उसका लॉजिक नहीं लिखने जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ऑर्डर क्या होता है, कैसे होता है, अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो पता होगा, वरना अगर हमने ऑर्डर लिखा 2 अंक का कोई नंबर लिखा तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो 2 डिजिट के जितने नंबर रहेंगे उनके बीच में जितने आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होंगे वो ऑर्डर 2 कहलाएंगे। 3 डिजिट के नंबर रहेंगे तो उनका ऑर्डर 3 कहलाएगा। 4 डिजिट के मतलब जितने डिजिट का नंबर रहेगा उनका ऑर्डर उतना कहलाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना फंक्शन बनाते हैं और देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं प्रिंट आर्म स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं। इन टाइप का वेरिएबल लेते हैं, पहले एक लोअर रेंज के लिए ले लेते हैं लोअर INT, इनपुट लेते हैं और इसके अंदर मैसेज लिख देते हैं एंटर लोअर रेंज और एक कैपिटल लिख दें, अच्छा लगेगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने लोअर रेंज ले ली। अब इसको कंट्रोल डी करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे बदल लेते हैं, इसको एल से यू कर देंगे, अपर रेंज ले लेंगे, यहाँ अपर रेंज लिख देते हैं एंटर अपर रेंज फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे हम लोग जो कि नम इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं नम एन रेंज और यहाँ जो रेंज हमारी रहेगी लोअर कॉमा अपर प्लस 1 तक कॉमा रहेगा। तो लोअर से अपर तक का हमने जो है एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए रेंज चला दी। और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड नम लेस देन इक्वल टू या लेस देन 1000 कर देते हैं, 1000 से लेस है, ये एक कंडीशन चलेगी। और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे प्रिंट डबल कोट्स में आर्म नंबर ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ये हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे टेम्प में एक वेरिएबल लेते हैं, टेम्प में कॉपी करते हैं नाम को और एक सम वेरिएबल ले लेते हैं, सम इक्वल टू 0 असाइन कर देते हैं। और उसके बाद हम अपना वही आर्मस्ट्रॉन्ग वाला लॉजिक लिख देंगे जो कि चेक करता है कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं। टेम्प ग्रेटर देन 0, जब तक 0 से बड़ा है तब तक ये हमारा वाइल लूप चलेगा। अब हम यहाँ रिमाइंडर निकाल लेते हैं, रिम इक्वल टू टेम मॉड्यूलस 10 कर देंगे। मॉड्यूलस करने से वो लास्ट डिजिट हमको मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाता है, अब तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी। उसके बाद सम में सम कर देते हैं, सम इक्वल टू ऐसे कर देते हैं, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, सम इक्वल टू यहाँ पे होगा टेम्प, नहीं टेम्प नहीं रैम रहेगा, रैम डबल एस्ट्रिक पावर, ऑर्डर 3 चल रहा है तो यहाँ 3 से हम लोग पावर निकालेंगे, फिर टेम्प को अपडेट कर देंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डबल डिवाइड 10, डबल डिवाइड से हमें फ्लोर वैल्यू मिलेगी। अगर हम लोग सिंगल डिवाइड करेंगे तो अगर हमारा नंबर
80 है और 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 88 अगर है तो 8.8 हमको मिल जाएगा, लेकिन अगर डबल डिवाइड करेंगे तो हमें सिर्फ 8 मिलेगा। तो हमें वही नंबर चाहिए लास्ट वाला, हमें कट करना है। इस तरह से हम इसको अपडेट करते जाएंगे और यहाँ तक हमारा लॉजिक हो गया। अब इसके बाद हम लोग बाहर आके चेक कर लेंगे इफ सम इक्वल इक्वल टू नम प्रिंट नम कामा एंड इक्वल टू स्पेस। ठीक है, ये एंड इसलिए हमने लिखा क्योंकि जनरली प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है पाइथन में वो न्यू लाइन पे लेके चला जाता है और नई लाइन से प्रिंट करता है। हमें एक ही लाइन में सारे नंबर प्रिंट करने, इसलिए हमने इसके एंड को जो है स्पेस असाइन कर दिया। अब ये वैसे ही करेगा। तो ये हमारा ऑर्डर थ्री के लिए हमारा एक आरएमस्टोर नंबर बन गया। अब एक एलिफ लिखेंगे हम लोग, यही कॉपी कर लेता हूँ मैं पूरा ताकि जल्दी से प्रोग्राम बन जाए। कंट्रोल सी, और अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दूँ, इसको एलिफ कर देता हूँ और यहाँ रेंज बढ़ा देते हैं, इसका बढ़ाना है 1000 से 10000 कर देते हैं। अगर ये 1000 से 10000 के बीच में है तो ये ऑर्डर फोर का प्राइम नंबर है। और यहाँ पे एक स्लैश एंड डाल देते हैं, आर फ्रॉम नंबर ऑफ ऑर्डर फोर। अब यहाँ पे हमें ये इसको फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर फोर देनी पड़ेगी और फिर अगर वही सब हुआ तो हमारा ये ऑर्डर फोर के आर फ्रॉम नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर थ्री ऑर्डर फोर के लिए हमें प्रिंट कर दिए। एल्स हम कर देंगे, एल्स यहाँ पे लिख देते हैं, अगर ये हमारे इसमें फॉल्स नहीं करता है एल्स तो यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं प्रिंट गिवन लोअर और अपर रेंज आर नॉट वैलिड। ठीक है, या वैलिड तो है, इसको लिख देंगे आउट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, आर आउट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है कोई ऐसा नंबर देते हैं जो इस रेंज में नहीं आ रहा है तो फिर ये हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो थर्ड और फोर्थ ऑर्डर में नहीं है रेंज हमारी। तो नंबर जब तक हमारा इसके बीच में रहेगा इसमें आएगा और हमारा जो है इस लूप के अंदर आ जाएगा और वो प्रिंट होने लगेगा। तो यहाँ से जो है प्रोग्राम लगभग लगभग बन गया है। अब चेक कर लेते हैं इसको क्या ये काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले हमें फंक्शन को अपने कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग कर लेते हैं, देखते हैं लाइन सीधी है नहीं, एक और पीछे आना पड़ेगा। यहाँ पर क्या नाम है प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमारा सेट हो गया। अब चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना पाइथन लिखें, पाइथन दिखाई नहीं रहा, पाइथन लिख के अगर हम लोग फाइल नेम लिखें ए से आर टन डॉट पाई, एरर आ गई। क्या एरर आ गई? पाइथन की स्पेलिंग ही गलत हो गई है, एरर तो आ ही जाएगी। पाइथन स्पेस आर रेस्पॉन्स इंटर लोअर रेंज, लोअर रेंज हमने 100 लिख दी। इंटर अपर रेंज, अपर रेंज हमने 1000 लिख दी। तो ये इन कहाँ तक चला गया भैया? ओ माय गॉड, ये कुछ गड़बड़ प्रिंट हो रहा है। देखते हैं कहाँ क्या दिक्कत है। फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड नम लेस देन 1000। ठीक है,
नम इसमें आ रहा 100 और 1000 के बीच में। फिफ्थ, अच्छा तो वो 100 तक पूरा प्रिंट हो गया, तो नहीं तो हमें यहाँ यहाँ देना है इसको, सिर्फ हमें एक बार प्रिंट करना है ये वाला। अगर हम इस पे कमेंट कर दें तब शायद ये चल जाएगा सही। क्यों देखते हैं, अब शायद चलना चाहिए, एक बार और ट्राई करते हैं। हो जाता है भाई प्रोग्राम में कभी कभी कहीं कहीं कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं। DLS लोअर रेंज 100, अपर रेंज 1000। तो ये हमारे इतने जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो है इन दोनों रेंज के बीच में है, और फिर ये ऑर्डर 4 में भी आ गया। ऑर्डर 4 में हमारे पास कोई भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, तो ये नहीं प्रिंट होना चाहिए हमारे पास, इसको रोकना है। तो रोकने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 1000 कर देते हैं तब। अब देखते हैं इसको रन करके, अब ये इसको भी हटा ही देते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम तो हमारा बन गया है। अगर हम लोग ये वाला भी कमेंट कर दें तो प्रोग्राम तो हमारा रन हो रहा है, थोड़ा सा हम इसे और मॉडिफाई कर दें तो अच्छा बन जाएगा। जैसे हमें जो है यहाँ पे ऑर्डर हमने 1000 लिख दिया, अपर रेंज 10000 लिख दी, तो ये एस पार्ट भी प्रिंट हो जा रहा है। इसे थोड़ी बहुत लॉजिक है, आप इसको सही करते रहें। तो लेस देन इक्वल टू तक चलाना है इसको, तो हमारा एक हट जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू तक चला देंगे तो ये हट जाएगा। अब ये क्लीन हो जाएगा, तो वन थाउजेंड 10000 तक अगर रन करते हैं, इस रेंज में हमारे ये तीन नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं। और अगर 100 से उस पे तक देते हैं, अगर हमें सारे ही प्रिंट करने हैं अगर, तो फिर हम लोग जो है इसको रन कर लेते हैं फिर से, और यहाँ रेंज दे देते हैं 100, और इसको 10000 दे देते हैं, सारे नंबर प्रिंट होंगे। तो ये 100 से 10000 के बीच में सारे नंबर हमारे प्रिंट हो गए, इतने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं। अब अगर हमें थोड़ा सा बस ये करना है कि ये एक मैसेज आ जाए, ये ऑर्डर 3 वाले हैं और ये ऑर्डर 4 वाले हैं, तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हो जाए। तो उसके लिए हम लोग जो है सिर्फ एक बार प्रिंट करना है। तो यहाँ पे एक फ्लैग ले लेते हैं, फ्लैग इक्वल टू 0, और उसके बाद इसे कहीं बाहर रख देते हैं तो काम चलेगा। इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, कट कर देते हैं। और इसको कहाँ रख दूँ मैं, तो इसको आप लॉजिक लिख के बताइएगा कि इसको कहाँ लिख दिया जाए, ताकि हमारा ये एक बार हेडिंग प्रिंट हो जाए, और उसके बाद हमारा ये लॉजिक तो प्रिंट हो ही रहा है। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, अभी मैं इसको डायरेक्ट सोच नहीं पा रहा हूँ,
हम लोग इसको बाद में सोचते हैं, तब तक एक और मैसेज प्रिंट कर लेते हैं हम लोग अपना एंड, यहाँ पे हमारा अपना आज का मैसेज रहेगा डबल कोट्स। इसमें लिख देते हैं और करना ना हो जाना। तो ये हमारा आज का मैसेज भी रहेगा और इसको तो अगर हम लोग प्रिंट करें, प्रोग्राम हमारा चल रहा है कि नहीं, और ये हमारे कई सारी चीज़ें प्रिंट हो गई एक ही बार में। इसको हमें लूप के बाहर रखना है वरना ये मैसेज बहुत ज़्यादा प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ कर देते हैं, वो हटा देते हैं, तो इसके बाद प्रिंट कर देते हैं। अब ये एक ही बार प्रिंट होगा। तो ये हमारा आरक्षण नंबर प्रिंट हो गया और मैसेज प्रिंट हो गया। तो कैसा लगा ये प्रोग्राम बताइएगा, और अगर आपको सोल्यूशन पता हो तो जो है कमेंट करके बताइए कि इस लाइन को कहाँ लिखा जाए कि सिर्फ पे सिंगल टाइम प्रिंट हो। अब लाइव अभी मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि इसको ऊपर रख दूँ या किसी कंडीशन के अंदर रख दूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।